यहाँ पर एक बकरी को भी मार के खाया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि लेपर्ड ट्रेल पर लेपर्ड होते हैं। तो चलते हैं एक शॉर्ट राइड पे और छुट्टी का दिन है, सब लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। और संजय मेरे साथ है, आपने देखा होगा धनौल्टी वाले टूर पे। तो चलते हैं भाई, चले बिल्कुल चलो। जलवाऊंगा तो दोस्तों हम चलती हैं अपनी एक छोटी सी राइड पे। जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा, हम जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। दिल्ली से मात्र 40-45 किलोमीटर दूरी पे ये है और स्मॉल राइड के लिए, वीकेंड्स के लिए बहुत ही बढ़िया राइड है। तो करते हैं इस राइड पे एंजॉय और आप लोग भी देखिए इस राइड में कि क्या क्या आपको लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेपर्ड ट्रेल पे लेपर्ड मिलते नहीं मिलते ये भी यार जाके पूछेंगे, इसका नाम लेपर्ड ट्रेल क्यों है। तो हम पहुँच गए भाई अब कहाँ पर, यह है वेलकम का फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर से यार जाम से बहुत छूट मिली है, नहीं तो भारी भारी जुर्माना देना पड़ता है इस जाम में। ये रोड भी बहुत खराब है, आगे की सारी खराब हो रखी है। ये गुड़गांव वाला हाईवे जाम ही रहता हमेशा, इस टाइम गलत आ गया यार, टाइमिंग गलत है क्या हमारी। ओहो शिवरात्रि का सारा जाम है, वो शंकर जी की मूर्ति है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जाम है। देखो फ्लाईओवर के ऊपर भी सारा जाम लगा हुआ है। आज तो बुरे फंसे भाई जाम में, गलत दिन आ गए, लेकिन यहाँ तक आ गया तो जाना तो पड़ेगा ही। कुछ पहाड़ी पहाड़ी जैसा इलाका शुरू हो गया, देख रहा है पहाड़ी पहाड़ी है यहाँ पर सारे में। अरे उसी था वो मंदिर वहाँ था ना, हम घूम के आए थे। ये आई थिंक ये लेपर्ड ट्रेल का रास्ता अरावली पहाड़ियों का रास्ता है सारा, है ना। इधर बिल्कुल एकदम देख रहा है बिल्कुल पहाड़ी टाइप से कैसे बना रखा है एकदम सारा। लेपर्ड ट्रेल इसलिए लिखा हो सकता है, यहाँ आसपास ना तेंदुए रहते होंगे, पहाड़ी इलाका है ना सारा, तो हो सकता है वो भी हो, क्या नाम है, हिरन वगैरह भी होंगे, है ना, छोटे मोटे जानवर रहते होंगे, तो वो तेंदुआ भी यहाँ पर आता होगा उनका शिकार करने। ये लास्ट है आई थिंक, है आई थिंक यही लास्ट है, ना 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 अभी है आगे। हैं इधर ऑफ रोडिंग भी है भाई, यहाँ पर तो ऑफ रोडिंग भी हो गई, वाह। नहीं नहीं पूछता हूँ ना इनसे आगे, लास्ट है यही है। भाई आखिर यही है, आगे भी है, आगे है रास्ता है आगे, नहीं नहीं आगे है भी रास्ता और। हैं नहीं नहीं ये कहाँ तक जा रहा आगे, अच्छा वहाँ पर भी कैफे वगैरह हैं, ये लास्ट है। और कोई रास्ता भी अंदर पीछे कहीं का, चल हैं, हाँ ऐसे थोड़ा सा आगे है नहीं कुछ, तो आगे से टर्न करके ले आएंगे। ओ भाई साहब अबे चलते हैं ना, ऑफ रोडिंग भी होगी, हाँ हाँ चलते हैं, एक मिनट रुक जा मोड़ लाऊंगा। ये देख तालाब भी है पर, लालू आते होंगे जब ही कुछ लैपट वगैरह, तो लालू हड्डियां देख। तो दोस्तों यहाँ देखो लैपट होने के निशान, जानवर को मार के खाया हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई है। और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जानवर को किसी को मार के खाया हुआ है। देखा बकरी की टांगे,
तो दोस्तों से पता चलता है कि यहाँ पर लेपर्ड रहते हैं, सारा जंगल है और यहाँ पर एक बकरी को भी मार के खाया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि लेपर्ड ट्रेल पर लेपर्ड होते हैं, सारे में हड्डी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। चलते हैं यार यहाँ से आगे, रिस्की लग रहा है भाई। ओ साले लेपर्ड तो सही में ही है, लालू निकल लो। अबे हड्डियाँ पड़ी हुई है, देख रहे हैं कितनी। ये इसका नाम जो लेपर्ड ट्रेल है इसलिए ही है कि यहाँ पर लेपर्ड वगैरह तेंदुए रहते हैं। तुम यहीं से हो, बाहर से आए हो? अच्छा भाई ये लास्ट है यहाँ का? अच्छा कुछ नहीं और? आप यूट्यूबर हो वैसे? किस नाम से? ट्रिप मैपर, ट्रिप मैपर। दोस्तों आपको यहाँ पर ढाबे वगैरह भी मिल जाएंगे, हमारे देश का झंडा लगा रखा है तिरंगा। लस्सी में ज़्यादा मीठा तेज़ तो नहीं है? क्या जी? मीठा तेज़ तो नहीं ज़्यादा, ठीक ठाक है ना? मीडियम नॉर्मल रखिए भाई, दिल्ली की तरह। तो दोस्तों आप अगर इधर की तरफ आओ तो ये है जंगल कैफे, इनका है रेड लीव स्टेरी, आप ले सकते हो यहाँ से कुछ भी। लस्सी पीनी हो लस्सी, खाना खाना हो खाना, चाय पीनी हो चानी चाय, पराठे खाने हो पराठे, ये भाई मिलेंगे आपको यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका? अशोक, अशोक अशोक भाई होंगे। और ये लास्ट ही है ना यहाँ पर, इसका आगे कुछ नहीं है जी? आगे जंगल है, झील है। आगे झील तो एक देखी हुई छोटी सी मैंने, हाँ। अभी गया था मैं, उससे आगे कुछ नहीं है? उसके आगे जंगल है सारा ना, जंगल है। यहाँ पर ये लेपर्ड ये तेंदू वगैरह होते हैं? होते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो वैसे है तेंदू वगैरह पहाड़ियों में है? हमने देख रखे पर ऐसे नहीं रोज यहाँ, नहीं रोज तो यहाँ खाएंगे जब आदमी किस्मत वाले, महीने दो महीने अगर यहाँ आप रेगुलर रहोगे जंगल में कभी कभी मिलेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर शोर शराबा सुन के ना इनके नहीं आते होंगे ना, अभी आसपास कर भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमें नहीं पता पड़ता जो ये ना लेपर्ड हो या तेंदुआ, ये शेर हो या ये, जब मिलेंगे महसूस होता है ये कुत्ते डोलते हैं ना, हाँ भोगते होंगे पता ज्यादा उनसे। हाँ जी, इन ये रहते ही नहीं है, इनको उठा के ले जाओ सब कुत्तों को। कुत्ते का तो बहुत बड़ा दुश्मन होता है जानवर। अच्छा जी, कुत्ते का सबसे बड़ा जानवर। चलो नहीं, अच्छी जगह बना रखी आपने सारी ना, बहुत बढ़िया लगी है। हमारी आ गई लस्सी, मात्र 30 रुपये में एक लस्सी। और ये देखो संजय, हाँ आराम फरमाया जा रहा है। आ बेटा, बहुत बढ़िया जगह है आप देखो। अभी हम पी रहे हैं लस्सी, खाना वाना भी बहुत अच्छा है, लोगों ने बताया है। पराठे, चिली पनीर, चिली पोटैटो, बाजरे की थाली, बाजरे की रोटी की थाली, बहुत सारी चीज़ें, सारी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है और हम जाते हैं वापस घर की ओर। और आपको वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो, और एक पिकनिक स्पॉट है दिल्ली से करीब 40-45 किलोमीटर दूर, ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ पर आकर ज़रूर इन्जॉय करना। ओके, बाय बाय।